गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारे जो ब्लॉक है जो हमने पट्टी काटी थी उसको हमने फिट कर दिया है ये स्क्रू की मदद से। देख सकते हैं आप, ये एकदम परफेक्ट तरीके से ये हमारा एकदम ज़बरदस्त बना है। देख सकते हैं आप ये। तो गाइस अब इसको हमने ये यहाँ पे आपको ये जो कट दिख रहा है इसके हिसाब से इसको कट मारना है, इस एलुमिनियम पट्टी को। देख सकते हैं आप ये। तो ओवरऑल तो गाइज आप कमेंट करके बताओ ये अभी तक जो बना है ये कैसा लग रहा है आपको। ये यानी कि यहाँ पर ये भी कट होगा, यहाँ पर से जहाँ से हमने निशान मारा है तो यहाँ से कट होगा और यहाँ से नट जाएंगे। जो ये जो समोसा दिख रहा है इसको टाइट करेगा और ये समोसा कुछ इस प्रकार से आगे पीछे होएगा। यानी कि हमने स्टार्टिंग भरना है तो हमने आगे निकालना पड़ेगा इसको, और मेन के लिए हमने वापस से इसको नीचे डालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गाइस। तो आई जस्ट होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, और ये हमारा पार्ट टू है तो इसको हम फाइनल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलता हो पब्लिक गाइस, पहले हम इस वाले को काट लेंगे। यानी कि यहाँ से ये जो आपको अंदर से निशान दिख रहा है हमने इसके हिसाब से इसको काटना है, तो हम पहले ये काट लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं, इसको हमने एकदम परफेक्ट तरीके से इन ब्लॉकों के हिसाब से काट लिया है। अब इसको हम घस के आपसे मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, इनको हमने एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से घस लिया है सबको। देख सकते हैं आप, ये ओवरऑल पूरा यानी कि ब्लॉक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस इसको हमने यहाँ से ये ऐसे क्रॉस टाइप का कट करना है, यहाँ से लंबी लकीर काटनी है हमें, और फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलता हूँ पब्लिक। तो गाइस आप देख सकते हैं, इनको हमने घस लिया है और ये प्रॉपर अच्छी तरीके से घसे गए हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ ये अभी तक कैसा बना है, और इन्हें हमें बीच में से कट भी लगाना है तो हम वो कट लगा लेते हैं। भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे इनके बीच में, यहाँ पर बीच में सुराख आने वाला है। और उसके बाद में हमने जब ये ब्लॉक को स्टार्टिंग सेटिंग करना है तो हमने थोड़ा सी आगे करना है इसको, और यहाँ पर जो नट रहेगा उससे इसको टाइट कर देना है। तो फिर ये ब्लॉक हमारा आगे पीछे हलेगा नहीं, और हमें मेन की वाइंडिंग करना है तो हमें इसे पीछे करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, ये ओवरऑल पूरा ब्लॉक। तो चलता हो पब्लिक, आप देख सकते हैं हमने एक तो प्रॉपर अच्छी तरीके से कट मार लिया है, अब दूसरे वाले को भी हमने कट मारना है तो कट हम मार लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, इन दोनों को हमने प्रॉपर अच्छी तरीके से घस दिया है। अब हमें फाइनल काम ये करना है कि इसके अंदर इस फॉर्म में को हमने डालना है, और यहाँ पर
एक छेद मारकर और इसका यानी कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ ये जो अभी तक बना है ये कैसा बना है। तो चलता हूँ बदले। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ ये मशीन हमारा जो फैन वाइंडिंग मशीन है ये कैसा बना है, अच्छा बना है या ख़राब बना है। स्पेशली ये हमने जो ब्लॉक हमारे हाथों से डिज़ाइन किया है ये कैसे बने हैं, अच्छे बने हैं या ख़राब बने हैं, और ओवरऑल आप पूरा मशीन देख सकते हैं। तो गाइस अगर अभी सडनली हम इसको यानी कि कच्चा फिट कर रहे हैं, आपको बारी बारी सभी पार्ट्सों के नाम बताएंगे, सब पार्ट्स हमने कैसे कैसे लिया, और ये स्टील का पट्टी हमने कैसे लिया है, ये एलुमिनियम का ब्लॉक हमने कहाँ ढलवाया था, और ये स्टैंड वगैरह ये सब इनका साइज़ क्या है, ये यहाँ पर ये जो आपको पाइप दिख रहा है इसका साइज़ क्या है, ये बेरिंग का जो यानी कि बेरिंग का जो कोन है उसका साइज़ क्या है, मीटर गियर कितने दांतों का हमने लिया था, तो ओवरऑल सब आपको बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।